भगवान स्वामी श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का प्रारंभ नागपुर की मेयो अस्पताल चौक से किया गया। इस मौके पर शहर के सैकड़ों श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी ग्राउंड रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, इस समय में कारा न्यूज की टीम सेंट्रल यूनिट रोड पे। हम आपको बता दें कि आज श्री जगन्नाथ जी स्वामी जी की यहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और भगवान रथ पे भगवान जगन्नाथ जी सवार दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हाल ही में भगवान जी को यहाँ पे भोग लगाया गया था। आप पूरी तरह से लोग अपने मार्गक्रमण करने के लिए तैयार, बड़ी संख्या में यहाँ पे सभी श्रद्धालु आए हुए हैं। आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे, इस समय में कुछ महानुभाव यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि आज जिस तरह से भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का नागपुर से जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी खुशी का, क्या लगता है आपको? जगन्नाथ निवासाय नित्याय परमात्मा ने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो आज बहुत शुभ दिन है नागपुर वासियों के लिए। उत्सव मानव प्रिया, उत्सव जो है मनुष्यों को बहुत प्रिय होते हैं, और ये जगन्नाथ रथ यात्रा जो है ये विश्व का सर्वाधिक सर्वप्रिय उत्सव है, जो पूरे संसार के लगभग 600 मंदिरों के माध्यम से पूरे संसार में रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। अभी दो दिन पहले आप सब ने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा देखी होगी, जब भगवान स्वयं अपने मंदिर से निकल करके अपने रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के जनमानस को दर्शन देने के लिए, जनमानस को अपनी सेवा का मौका देने के लिए बाहर निकलते हैं। तो आज वही दिन नागपुर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और नागपुर में बताते हैं कि रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म विद्यते। जो रथ के ऊपर भगवान का दर्शन करता है, रथ को अपने हाथ से खींचता है, पुनर्जन्म का भागी नहीं होता है। तो संसार के समस्त कलमश मिट जाते हैं यदि हम भगवान के रथ को प्रेम पूर्वक अपने हृदय में भगवान को खींच करके स्थापित करते हैं। बिल्कुल, ये बताइए आज के इस कार्यक्रम में जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो आए हुए हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? हमारे इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका से आए हैं, कुछ भक्त मॉरिशियस से, कुछ भक्त नीदरलैंड से आए हैं। तो इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बाकी अधिकांश भक्त इसमें नागपुर के चंद्रपुर से, गोंदिया से, गढ़चरौली से, अमरावती से, यवतमाल से, अकोला से, जगह जगह से भक्त यहाँ पर इस रथ यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी का रथ तैयार है, और ये इस्कॉन नागपुर की तरफ से इसका शानदार आयोजन किया गया है। रथ पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है, और ये इसी प्रकार की जो रस्सी है, ये रथ है, इसको हजारों की तादाद में श्रद्धालु अपने हाथ से खींचेंगे और नागपुर शहर को मार्गक्रमण करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेंगे। जब हमने यहाँ के एक महाराज साहब से बात किया तो उन्होंने यही कहा कि ये जो कार्यक्रम है पूरे भारतवर्ष के नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है, जैसे न्यूयॉर्क है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, और भी कई ऐसे देश है जहाँ पे मनाया जाता है। और इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में आज यह शोभा यात्रा का शानदार जो उत्सव है ये नागपुर नगरी में भी मनाया जा रहा है। नागपुर के सेंट्रल एवेन्यू रोड से और भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी के रथ यात्रा के इस पावन पर्व से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मीरे, कारा न्यूज़ नागपुर।